हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने प्राइमर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। प्राइमर के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ लॉरियल पेरिस इनफ्लेबल फाउंडेशन को यूज़ किया है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने बफिंग ब्रश को यूज़ किया है। आप चाहें तो स्पंज की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। मैं अपने अंडर आई एरिया को कवर करने के लिए एल ए प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को मैं स्पंज की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं इस वीडियो में जो भी मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैंने यह ब्राउन कलर का आई शेडो यूज़ किया है। कॉन्टोरिंग कैसे की जाती है उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से बनाकर शेयर कर दूँगी। कॉन्टोरिंग को शार्प दिखाने के लिए मैं यहाँ मेबलिन कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मैं सेम कॉम्पैक्ट पाउडर अपने अंडर आई एरिया पर भी अप्लाई करूँगी। और अब मैं आई शेडो को अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ ब्राउन आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। इस आई शेडो को मैं अपने क्रीज एरिया और आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। और अब मैं हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट से गोल्डन आई शेडो अपने सेंटर आईज पर अप्लाई करूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। एंड नाउ मैं ब्राउन आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन्स पर भी अप्लाई करूँगी। अब मैं अपना मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अब मैं काजल लगाऊंगी। मैं मस्कारा अपनी लोअर आई लैशेस पर भी अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। नाउ मैं फैन ब्रश की मदद से अपने चीक बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने यहाँ मेकअप रेवोल्यूशन हाईलाइटर यूज़ किया है। मैं यहाँ आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आईब्रोज को फुलर दिखाने के लिए मैं यहाँ लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।